हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो मोबाइल गेम्स लाइक BGMI और कोई और गेम से स्ट्रीम करना चाहते हैं अपने PC के यूज़ करके। तो इसके लिए हम लोग को एक सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ मैं आपको आज, जिसका नाम है DAWAN, जिसकी मदद से आप कोई भी मोबाइल गेम को ईजिली स्ट्रीम कर सकते हो अपने PC पर, वो भी हाई क्वालिटी में। तो चलो अभी मैं इसके स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहले तो अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है एंड सर्च करना है DAWAN। जैसे आप सर्च करोगे टॉप में ही आपको लिंक मिल जाएगी DAWAN की, तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको डाउनलोड करना है ऐप सॉफ्टवेयर को, जो भी आपका PC होगा विंडोज़ या मैक। तो विंडोज़ का लेटेस्ट 64-bit वाला PC है मेरे पास, तो मैं विंडोज़ वाला वर्जन डाउनलोड कर लूँगा। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद हम लोग ये ऐप को पहले ओपन कर लेंगे। तो जैसे आप ऐप को इंस्टॉल कर लोगे तो इसके बाद आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन दिखेगा आपको DAWAN का ऐसे, तो इसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ये वाली स्क्रीन शो करेगी। ये स्क्रीन पर आने के बाद आपको दो चीज़ें लेनी है, आपका फ़ोन और आपकी चार्जिंग केबल। चार्जिंग केबल को आप आपके PC या लैपटॉप से कनेक्ट कर देना, जिसमें भी आपने इंस्टॉल जिसके थ्रू आप स्ट्रीम करते हो। और एक एंड आपके PC में कनेक्ट होगा, दूसरा एंड कनेक्ट होगा आपके फ़ोन पर। तो अभी मैं वो करके दिखाता हूँ आपको। तो अगर आप iPhone यूज़ करते हो तो जब आप फर्स्ट टाइम आपके PC से आपका फ़ोन कनेक्ट करोगे तो ट्रस्ट दिस PC ऐसा एक पॉपअप आएगा आपके स्क्रीन पर, तो उस पर ट्रस्ट पे क्लिक करना है। और अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो जैसे आप फ़ोन को कनेक्ट करोगे तो एक और पॉपअप आएगा आपके स्क्रीन पर, जो आपको DAWAN का फ़ोन वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करने बोलेगा। तो वहाँ से आपको पहले फ़ोन में वो इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है नहीं आपको बताने के लिए, तो मैं iPhone का ही बता रहा हूँ, और मैंने ऑलरेडी ये कर चुका हूँ। iPhone में कुछ प्रोसेस एडिशनल इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं है, जैसे ही आप कर दोगे ट्रस्ट पे क्लिक तो डायरेक्टली आपका स्क्रीन मिरर हो जाएगा। और एक बात, जब भी आप फर्स्ट टाइम फ़ोन को कनेक्ट करोगे ये ऐप के थ्रू, तो वहाँ पे आपको 1 या 2 मिनट लग सकता है डिपेंडिंग आपका इंटरनेट स्पीड पे, जो कि कनेक्ट करने पे ड्राइवर्स इंस्टॉल करेगा। तो उतना आपको वेट करना पड़ेगा सिर्फ फर्स्ट टाइम जब भी आप कनेक्ट करोगे तभी आएगा। तो अभी आपकी स्क्रीन सक्सेसफुली मिरर होने लगी है, और इसका मैं आपको एक वीडियो भी बताता हूँ जिसमें आप देख सकते हो कि विदाउट एनी लेटेंसी ये स्क्रीन हम लोग की मिरर हो रही है। मैं आपको गेम ओपन करके दिखाता हूँ BGMI, जहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल भी डीले नहीं दिखेगा आपको, जो एक्शन आप फ़ोन में करोगे वो सेम टाइम पर आपके PC के स्क्रीन पर भी आपको दिखेगा। और यहाँ पे साउंड डिले भी कुछ नहीं है, अभी आप देख सकते हो बिल्कुल ही सिंक में चल रहा है विदाउट कोई डिले। फ़ोन और PC का स्क्रीन हम लोग का साथ में मूव कर रहा है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल भी हम लोग को डिले देखने नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग ने वायर से कनेक्ट किया है इसको। तो अभी हम लोग का मिररिंग वाला पार्ट तो हो गया है, अभी हम लोग मूव करेंगे इसको स्ट्रीम में लेने के लिए। OBS में हम लोग अभी इसको सेटअप कैसे करें वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको जाना है आपके OBS ऐप में। तो अभी हम लोग आ गए हम लोग के OBS की स्क्रीन में। यहाँ पे अभी हम लोग पहले तो एक न्यू सीन क्रिएट करेंगे, सीन को नाम देते हैं BGMI। सोर्सेस में जाके विंडो कैप्चर, यहाँ पे DAWAN वाला सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये फुल स्क्रीन में हम लोग को शो हो जाएगा यहाँ पे। इसको ऐड करने के बाद इसका वॉल्यूम भी मैं थोड़ा
इसका आवाज़ भी हम लोग को आने लगेगा। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करके इसको एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद आप कुछ ओवरले अगर आपको ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कैसे बनाया है आपको दिखाने के लिए, तो वो भी मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। इसके बाद आपको आपके टीममेट से जो बात करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम लोग को एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे ऑडियो के लिए। यहाँ पे वीडियो पे राइट क्लिक करके ऐड में एप्लीकेशन ऑडियो कैप्चर पे क्लिक करना है और इसको ऐड कर देना। यहाँ पे विंडो में आप फिर से चूज़ करोगे आपका डाव वन वाला फ़ोन और ओके कर देना। दैट्स इट। इससे आप जो भी बात करोगे आपके पीसी के माइक से वॉइस आपके इन गेम टीममेट्स को चली जाएगी फ़ोन में, तो आपको स्प्लिटर या कुछ चीज़ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। डायरेक्टली आप पीसी के हेडफोन माइक से आवाज़ सुन सकते हो और आपके टीममेट से बात भी कर सकते हो इन गेम। तो उसके बाद आपको सिंपली सेटिंग्स में जाके स्ट्रीम पर क्लिक करना है। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप स्ट्रीम करते हो वो प्लेटफॉर्म चूज़ कर लेना। अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो या फिर स्ट्रीम की यूज़ करके आप स्ट्रीम कर सकते हो जैसे नॉर्मली आप करते हो। तो OBS में बस इतना ही सेटअप करना है हम लोग को और इजीली हम लोग स्ट्रीम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे ये सॉफ्टवेयर की और भी फीचर्स के बारे में। तो पहले तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप एक साथ 10 डिवाइसेस तक कनेक्ट कर सकते हो वायर्ड डिवाइसेस, तो जिसके मदद से आप लाइक मल्टीपल डिवाइसेस, एक डिवाइस से आप आपका गेम स्ट्रीम कर सकते हो, दूसरे डिवाइस से आप आपका फेस कैम भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे आप लोग मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो एक टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है आपको रिकॉर्डिंग का। तो लाइक आप गेम खेल रहे हो, स्ट्रीम कर रहे हो, तो साथ ही साथ आप आपका गेम प्ले रिकॉर्ड भी कर सकते हो स्ट्रीम पर, वो भी HD में। तो यही था ये ऐप का ओवरव्यू। तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप डायरेक्टली ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ ही मैं आपको एक डिस्काउंट कोड भी देता हूँ। डिस्काउंट कोड अगर आप डालोगे तो आपको $1 का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड यूज़ करने के लिए आपको ऐप को ओपन करना है, ये वाली स्क्रीन आ जाएगी जो हम लोग की होम स्क्रीन है। यहाँ पे आप बाय पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो $9.99 फॉर 12 मंथ्स, मतलब साल का सब्सक्रिप्शन आपको $10 में मिल रहा है। तो अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करते हो, डिस्काउंट कोड मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ UDAS6। ये अगर डिस्काउंट कोड अगर आप यूज़ कर रहे हो और इसको अप्लाई कर दोगे तो 99 का आपको डिस्काउंट मिलेगा, जिसका मतलब आपको $9 में 12 मंथ्स के लिए मिल रहा है। $9 अप्रॉक्सीमेटली 750 रुपीज़ कुछ होता है, जो कि कंपैरिजन टू एलगाटो या इस किसी और स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन या हार्डवेयर के प्राइस के मुताबिक बहुत कम है। तो 750 रुपीज़ इतनी अच्छी स्ट्रीम क्वालिटी के लिए आप आई थिंक कुछ ज़्यादा बड़ी प्राइस मेरे को नहीं लगती है कि एक साल के लिए आप 750 रुपीज़ पे करके अच्छी हाई क्वालिटी में HD में स्ट्रीम, साथ ही साथ और भी इसके फीचर्स का यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए तो इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में आपके व्यूज़ बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।